सोहेल और सोनिया का भांडा फूट चुका है और अब यहाँ पर किंजा क्या करने वाली है सोनिया के साथ, और सोनिया यहाँ पर आगे से क्या रद्द अमल देने वाली है, इन लोगों की किस तरह से शादी होने वाली है और सब कुछ आज की वीडियो में भी हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन इस ड्रामे की अभी तक आप लोगों ने फुल स्टोरी वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर लाजमी से देख लीजिएगा, काफी ज्यादा कमाल की वीडियो है, आप लोगों ने जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ड्रामा सीरियल बहरूप के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हो कि यहाँ पर काफी ज्यादा जो है अब सोहेल से नाराज होकर बैठी हुई है यहाँ पर हमारी किंजा और कह रही है कि यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने जो है करीब नहीं आने दूंगी, आपने इतना बड़ा मुझसे धोखा दिया, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन नाजरीन आने वाले एपिसोड में आप लोग ये देखने वाले हो यहाँ पर सोहेल और नाजरीन फलक तमूर यहाँ पर खाने के टेबल पर बैठे होंगे और यहाँ पर किंजा नहीं होगी, जिसके बाद सोहेल पूछेगा कि यहाँ पर तुम्हारी भाभी किंजा कहाँ गई है, जिसके बाद यहाँ पर तमूर कहेगा कि आपको भाभी ने नहीं बताया कि आज वो वली के स्कूल में जाने वाली है, जिसके बाद यहाँ पर वो जो है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि नहीं, जिसके बाद यहाँ पर आगे से तमूर कहेगा कि क्या वो अभी भी आपसे नाराज है, जिसके बाद सोहेल कहेगा हाँ, या उसके तासुरात से उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर तमूर कहेगा कि बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा भाभी आपसे प्यार करती है यहाँ पर वो आपको बहुत ही ज्यादा जल्द माफ कर देंगी, जिसके बाद यहाँ पर आप लोग आने वाले एपिसोड में ये भी देखने जा रहे हो कि यहाँ पर किंजा काफी ज्यादा जो है वो बहुत ही ज्यादा हैरान भी है और यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में है सोनिया के, और नाजरीन यहाँ पर वो दरवाजा खटखटाएगी उनके घर पहुंच जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर सोनिया को तो पता ही नहीं होगा, उसके वहमों गुमान में ही नहीं होगा कि मेरे साथ अब क्या होने जा रहा है। यहाँ पर वो जैसे ही जाकर दरवाजा खोलेगी कि यहाँ पर एकदम से किंजा आएगी और यहाँ पर थप्पड़ पे थप्पड़ लगाना शुरू कर देगी और कहेगी कि यहाँ पर तुम क्या समझती थी कि यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, मैं तुम्हें जो है अच्छी तरह से जानती हूँ, और यहाँ पर इसे थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे थप्पड़ लगाती जाएगी और यहाँ पर ये कुछ नहीं आगे से सोनिया कर पाएगी, और ऊपर से नाजरीन जो है इसकी माँ भी भागती हुई आएगी यहाँ पर सोनिया की, और सोनिया की माँ को पता ही नहीं होगा, वो कहेगी कौन आई है सोनिया, जिसके बाद यहाँ पर थप्पड़ खाते जब देखेगी अपनी बेटी को तो यहाँ पर कहेगी कि किंजा हाय हाय क्या कर रही है, यहाँ पर मेरी बेटी को मार ही डालेगी, जिसके बाद यहाँ पर आगे से किंजा कहती है कि यहाँ पर इसे समझा लोगे कि आइंदा के बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड के जो है वो करीब भी नहीं रहना, तुम जैसी लड़कियों के जो है वो मैं अरादे सब कुछ जानती हूँ, जिसके बाद यहाँ पर वो ये भी शायद कह दे कि यहाँ पर एक लड़की को तो मैं आगे ही भुगत रही हूँ, लेकिन अब मैं दूसरी को घर में बिल्कुल भी नहीं घुसने दूंगी, और यहाँ पर ये सब कुछ कह के वार्निंग दे के, और शायद यहाँ पर जो है सोनिया की माँ भी कह दे कि हाँ आइंदा के बाद ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी, जिसके बाद यहाँ पर किंजा वहाँ से चली जाएगी, और जिसके बाद यहाँ पर सोनिया जो है बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्से में आ जाएगी, यहाँ पर अब तो मैं किंजा भाभी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, यहाँ पर इस जो है मैं बेइज्जती का बदला आपसे लेकर ही छोड़ूंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जो है उससे मिलना जुलना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, बल्कि उससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैसा बटोरना शुरू कर देगी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है उसके सामने नाटक करना शुरू कर देगी कि यहाँ पर यह मुझसे शादी कर ले, और जिसके बाद आप लोग आने वाले एपिसोड में ये भी देखने वाले हो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है तमूर यहाँ पर कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ भाई, जिसके बाद यहाँ पर ये कह रहा होता है सोहेल के यहाँ पर इतनी बड़ी बात नहीं थी, जितनी बड़ी बात को खींच लिया है तुम्हारी भाभी ने, जिसके बाद तमूर कहता है कि यहाँ पर कि नहीं ये छोटी सी बात तो नहीं है, जिसके बाद यहाँ पर आगे से सोहेल का तमूर है कि यहाँ पर अब वो हमारी एम्प्लॉय बिल्कुल भी नहीं, हमने उसे जो है वो काम से बस एक हिसाब से फारग ही कर दिया है, जिसके बाद आप लोग आने वाले एपिसोड में ये भी देखोगे कि शायद तमूर जो है तमूर से बात करने की कोशिश करेगा सोहेल के, नहीं यहाँ पर उसे बिल्कुल भी नहीं निकालना है, जिसके बाद यहाँ पर आप लोगों को शायद जो है तमूर और ज़्यादा यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करे कि ऐसा आप मत करें, वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह शायद इन दोनों में जो है वो लड़ाई या नोकझोंक भी हो जाए, और इसके बाद आप लोग ये भी देखने जा रहे हो कि यहाँ पर अब किंसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक हिसाब की जो है बीमार हुई पड़ी है, यहाँ पर शायद बेहोश हो जाएगी, जिसके बाद उसे ड्रिप वगैरह लगी होगी, और नाजरीन यहाँ पर शायद वो नाटक भी कर रही हो, और इसके साथ साथ सोहेल पहुँच जाएगा और कहेगा कि यहाँ पर किंजा मुझे माफ़ कर दो, यहाँ पर ये छोटी सी बात है, या ये तुम क्या इस बात को समझ रही हो, मेरी कोई भी गलती नहीं थी, जिसके बाद यहाँ पर आगे से किंजा कहेगी सोहेल क्या इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी, आप अभी भी ये सब कुछ समझते हैं, ये आपके आपसे मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी, जिसके बाद वो यही कहेगी कि यहाँ पर आप जो है अब मेरी नज़रों से दूर हो जाएं, यहाँ पर मैं आपको अपने पास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है सोहेल वहाँ से
इमोशनल हो जाएगा और यहाँ पर अब जो है किंजा वैसे से मुंह नहीं लगाएगी, लेकर आने वाले एपिसोड में आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों का जो है दोबारा से मिलाप हो जाएगा। यहाँ पर ये दोबारा से जो है बोलना शुरू कर देंगे किसी न किसी कंडीशन से, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये शायद वादा भी कर ले कि यहाँ पर अब जो है मैं उससे बिल्कुल नहीं मिलूंगा सुहेल, लेकिन नाजरीन फिर भी यहाँ पर वो उससे मिलता रहेगा। और यहाँ पर जो इतना ज़्यादा समझाने की कोशिश करेगी यहाँ पर इसकी माँ यहाँ पर सोनिया की, कि यहाँ पर बिल्कुल भी उस जो है शादीशुदा के पीछे मत जा, यहाँ पर जो तुझसे प्यार करता है, जो तेरा कदरदान है वो आसिम, उसके पीछे तू जा। लेकिन नाजरीन यहाँ पर ये कहेगी कि नहीं, यहाँ पर मैं उसके पीछे नहीं जाऊँगी, मैं इसी से अब शादी करूँगी। अब किंजा ने मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा किया है, मैं इससे भी ज़्यादा उससे बुरा करूँगी, और इसके साथ साथ अम्मा तुझे यशी कराऊँगी। और यहाँ पर जिसके बाद यहाँ पर इसकी अम्मा जो है वो तो बार बार यही कहने की कोशिश करेगी कि इस पर रास्ते पे बिल्कुल मत जा, लेकिन यहाँ पर ये जाएगी। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और भी जो है रह गया था कि यहाँ पर अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा किंजा जो है वो टूट पड़ेगी यहाँ पर फलक पे, क्योंकि फलक को तो पहले से ही यहाँ पर लग रहा था कि यहाँ पर ये जो है मुझ पर टूट पड़ेगी और मुझे जो है कहना शुरू कर देगी कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने जॉब के लिए यहाँ पर तैमूर को फोर्स किया होगा कि यहाँ पर इस लड़की को सोनिया को दे दो जॉब, तो यहाँ पर ये तुम्हारा ही कारनामा है। वही बात हुई, वो आकर यही सब कुछ कहेगी, जिसके बाद यहाँ पर फलक कहेगी नहीं भाभी ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और उससे और फलक को शायद पकड़ ले और कहे कि यहाँ पर मुझसे जबान दराजी करती है, और यहाँ पर शायद इसे भी मारना पीटना शुरू कर दे। आपको पता है कि इसकी कितने ज़्यादा हाथ चलते हैं, और इन्हीं हरकतों की वजह से तो यहाँ पर ये इस हाल तक अभी तक पहुँच चुकी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर जो आसिम है नाजरीन, उसकी जो शादी है उसकी कज़न के साथ होगी, क्योंकि उसकी माँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसिम की फोर्स कर रही है, और इसकी कज़न भी बहुत ही ज़्यादा कह रही है कि मैंने शादी करनी है तो सिर्फ तुमसे करनी है। तो ये वाला पॉइंट जो है हमने थोड़ा सा डिस्कस किया उस फुल स्टोरी में जो कि आज ही जो है अपलोड की गई है। आप लोगों ने इस पर बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया तो जाकर ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर किस तरह से सोनिया और सुहेल की शादी होगी और किस तरह से यहाँ पर एक्सपोज होगी, यहाँ पर ये जो किंजा है और यहाँ पर फलक माँ बन जाएगी, और क्या क्या होने वाला है, आप लोगों को सब कुछ पूरे डिटेल के साथ जो है जो जो मुझे लग रहा था प्रोमो टीजर्स देखे यहाँ पर वो मैंने पॉइंट सारे के सारे उसमें हाईलाइट किए हैं, सब का सब बताया है। लेकिन आप लोगों ने जो है उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है और हमें अप्रिशिएट करना है कि आपने ठीक किया, ठीक कहा या नहीं ठीक कहा, आप लोग जो है वो हमें बता सकते हो सब कुछ जो है। वो वीडियो आप लोगों ने ज़रूर से जाकर वॉच कर लेनी है। अगर आप लोगों को हमारे प्रोमो अच्छे लग रहे हैं, हमारी फुल स्टोरी वाली वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग हमें रेकमेंड भी कर सकते हो। और किस वीडियो को आप लोग किस ड्रामे की फुल स्टोरी देखना चाहते हो, प्रोमो देखना चाहते हो, जरूर से बताना, आपके लिए जरूर से लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज।